हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेया व्लॉग्स। और मैं हूँ श्रेया। बहुत सारा काम ऐसा है जो अभी तक नहीं हुआ है, जो मुझे करना है। क्योंकि सुबह से मैं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ काम बाकी रह जा रहा है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है, 10 मिनट खुद को रेस्ट दूंगी, थोड़ा सा सेट होती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी चीज़ों को सेट करती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी चंपू टाइप लग रही हूँ, क्योंकि बाल में तेल लगा हुआ है। मुझे अभी शार भी लेना, शैम्पू करना, एक्चुअली हेयर वॉश करना है। तो पहले मैंने सोचा थोड़ा सा हेयर मास्क लगा लूँ, बट क्योंकि ठंडक का दिन है तो हो सकता है सर्दी भी हो सकती है, इसलिए मैंने सोचा कभी और लगाएंगे। आज ऐसे ही सिंपली शैम्पू कर लेते हैं। तो चलिए, कुछ काम है वो करते करते आप लोगों से थोड़ी बातें भी कर लेते हैं। अभी मुझे कपड़े ऑलरेडी सूख चुके हैं, मुझे उन्हें उतारना है, मिस बालकनी से ला करके अंदर उनको फोल्ड करके उनके जगह पे रखना है। सेकेंडली, मुझे डिनर की प्रिपरेशन भी करनी है। थर्ड, मुझे बेडशीट भी सारे बेड में डालनी है, सारी मीन्स एक ही बेड पे, जिस बेड में हम लोग सोते हैं। तो चलिए फटाफट सब काम करते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल पागल की तरह हूँ, मींस कुछ रेडी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है। तो कुछ नहीं, चलिए देखते क्या करते हैं। देख सकते हैं आप, मेरा बेड बिना चादर के ही है।
इतना काम करना भी काफ़ी नहीं है, अब इससे भी ज़्यादा काम बचा हुआ है और वो क्या है, वो है ये ग्रॉफर से आया हुआ सामान हमारा ग्रॉसरीज का, तो इसे भी अरेंज कर लेते हैं। तो आप सब पूछिए ग्रॉफर से सामान मंगाने का क्या फ़ायदा है, तो एक्चुअली कोरोना में जब हम लोग कहीं नहीं जा सकते थे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा होता था कि ग्रॉफर से ऑर्डर कर दिया और सामान हमारा टाइम पे पहुंच जाता था, वो आपके टाइम शेड्यूल के हिसाब से आप जब भी फ्री है आप वो टाइम स्लॉट दीजिए ताकि वो उसी वक्त आकर के आपके सामान को डिलीवर करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ होता था। और सेकेंडली कॉन्टैक्टलेस फ्री है, मीन्स आपको छूने की ज़रूरत नहीं, वो आपके डोर के बाहर रख के जाएंगे एंड आप एक दो दिन अगर, क्योंकि मेरे पास मेरा क्या होता है ना जनरली कि जब भी मेरा सामान आता है तो मैं उसे एक दो दिन ऐसे छोड़ देती हूँ, क्योंकि अगर वेजिटेबल्स फ्रूट्स या फिर कुछ ऐसा सामान नहीं जो ख़राब होने लायक है तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है मेरा, और दो दिन के बाद आफ्टर 48 आवर्स ओनली मैं इसे निकालती हूँ इसके प्रॉपर जगह पे या फिर उसको धो करके उसकी जगह पे रखती हूँ। तो इस बार भी अभी अच्छा खासा मीन्स दो दिन हो गया है, अब मैं इसे फाइनली कट करके जगह पे रख दूँगी। तो फिलहाल करती हूँ मैं सबको अरेंज। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब कोरोना था तो मुझे आज भी याद है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को दुकान से सामान लेने के लिए नहीं भेजती थी कि आप मत जाओ बोल करके, जो अगर ग्रॉफर से ही मंगा लेंगे तो उसमें क्या होता था हम लोग एक बार में बहुत बहुत सामान उठा लेते थे। एंड सेकेंडली क्या था कि बहुत टाइम ऐसा होता था कि हम लोग का ऑर्डर कैंसिल हो जाता था, मीन्स ऑर्डर इतना रहता था कि उन लोगों को लास्ट में कैंसिल करना जाना पड़ता था ऑर्डर को बोल करके कि अवेलेबल बहुत सारे आइटम शॉर्टेज हो गया था इनफैक्ट। और जो अभी जैसे हम लोग कल ऑर्डर कर रहे हैं तो हम लोग को इवन कल ही मिल जाएगा, इट मीन्स डैट अगर हम आज रात को ऑर्डर कर रहे हैं तो कल हम लोग को आराम से डिलीवर हो जाता था, बट इन कोरोना बहुत मुश्किल होता था। दे यूज़ टू टेक अराउंड अ वीक 5 days कुछ ऐसा रहता था, तो हम लोग को प्री प्लान रहना पड़ता था कि अच्छा नहीं इतना दिन पहले हम लोग को अपना सामान को मंगा लेना है। तो अब बात करते हैं एकदम, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बस नारियल एक ऐसा चीज़ है जिसको मैंने मंगाया था। क्योंकि इसमें मैंने फ्रूट वेजिटेबल्स कुछ भी प्रॉपर से नहीं ऑर्डर किया था तो मैंने मशीन की कि अच्छा आराम से निकालेंगे बोल के। ये हमारा मस्ट होता है भाई, ये चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपने हिसाब का मिठाई नहीं मिल पाता, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं इसे पैकेजिंग के बाद इसलिए हटा लेती हूँ कि मुझे आसान होता है ये सारे बैग को, फिर वापस से जो ज़रूरत का नहीं होता उसका कवर नहीं भी मैं हटा दूँगी और निकाल दूँगी। Thank you.
जगह पे नहीं रख रहा है, उसको रखना बाकी है। फिलहाल ये गार्बेज बैग को मैं बाहर रख देती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सारे काम करने के बाद यहाँ पे डिनर मैंने प्रिपेयर कर लिया है। एक्चुअली सारा काम करने के बाद मैंने आपको बताया था मुझे हेयर वॉश करना था, तो वो भी मैंने कर लिया। एंड यहाँ पे डिनर के लिए मैंने बनाया है इडली सांभर एंड चटनी। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों डिनर कर रहे हैं। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने वीडियो को आगे कंटिन्यू नहीं किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।